राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पहुंच गई है। वहीं अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार और अडानी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही राहुल गांधी ने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। इस लाइन से कोई भी व्यक्ति कांग्रेस की पूरी विचारधारा को समझ सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान का डीएनए मोहब्बत है, नफरत का नहीं। हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर चले, समुद्र से हिमालय तक चले, और लाखों लोग हमारे साथ चले। हर प्रदेश के लोग आए और भारत जोड़ो यात्रा में से एक बहुत सुंदर नारा निकला। एक लाइन में वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा किसी को भी समझा देता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और मैं जानता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, अपनी जिंदगी में, अपने काम में इस लाइन का पालन करते हैं। न्याय यात्रा में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंबिकापुर की जनता को संबोधित करते हुए कहा, हम तो कांग्रेस की गारंटी बोलते हैं, लेकिन हमें देखकर प्रधानमंत्री जी मोदी की गारंटी बोलने लगे। जिस व्यक्ति में इतना अहंकार हो, वह लोकतंत्र में विश्वास नहीं रख सकता। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने लिए काम करता है, इसी को तानाशाह कहते हैं। लेकिन अब मोदी गारंटी बोल रहे हैं, हमारा देखकर हर जगह गारंटी गारंटी बोल रहे हैं, और आप न्यूज़पेपर निकाल के फर्स्ट पेज पे, पहले पन्ने पे अगर देखेंगे तो वो गारंटी लिखते हैं। किसकी गारंटी? मोदी की गारंटी। अरे हम तो कांग्रेस की गारंटी बोलते हैं, देश के लोगों के लिए बोलते हैं। ये हमेशा मोदी गारंटी, ये मेरा है, मैं काम कर। अरे एक व्यक्ति को इतना अहंकार है तो आप सोचिए, ये लोकतंत्र में विश्वास करता है? नहीं, सिर्फ अपने लिए काम करता है। और अपने लिए जो व्यक्ति काम करता है वो तानाशाही होता है। वहीं यात्रा के दौरान कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जो सरकार एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती है, वही सरकार किसानों के साथ अन्याय करती है। क्रांति के वैज्ञानिक निर्माता थे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया, वो भी मरणोपरांत, हम उसका स्वागत करते हैं। वो भारत रत्न थे, भारत रत्न है और भारत रत्न रहे। पर बात यह है कि जो सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देती है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती है, वही सरकार किसानों पर अन्याय। दरअसल यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मेंढराकला के किसानों से बातचीत भी की। राहुल की यात्रा का उत्तर प्रदेश में नया रूट मैप भी तैयार किया गया है। 16 से 22 फरवरी तक यूपी में 6 दिनों तक राहुल गांधी की यात्रा रहेगी। यात्रा 13 जिलों के लोकसभा को कवर करेगी। अमेठी रायबरेली के जिले में सपा के मुखिया अखिलेश यादव यात्रा में शामिल होंगे। If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.